जंग ई एक ऐसी फेमस वॉरियर जो कि सन 2135 में एक सिविल वॉर के दौरान इंसानों के तरफ से लड़ती है, क्योंकि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इंसानों को जीने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, जिसके वजह से इंसान स्पेस पर रहने के लिए कॉलोनी बनाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ कॉलोनी में जो रोबोट्स इंसानों के मदद के लिए बने होते हैं, वही इंसानों के खिलाफ सिविल वॉर शुरू कर देते हैं, जिनसे लड़ते लड़ते एक दिन जंगी जख्मी होकर कोमा में चली जाती है और इंसान वो जंग हार जाते हैं, जिसके वजह से क्रोनाइड नाम की एक टेक कंपनी जंगी के दिमाग को कॉपी करके ठीक वैसे ही एक एआई सोल्जर बनाने का कोशिश करते हैं, जो कि बन तो जाता है लेकिन वो भी आखिर में बगावत करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इंसानों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज के लिए, क्योंकि जंगी जो कि एक एआई तो होती है, लेकिन क्रोनॉइड ने असली जंगी का दिमाग इतने अच्छे से कॉपी किया होता है कि वो एआई खुद को इंसानी मानती है। इसलिए जब जंगी का एआई बनाया जा रहा था, तब वो एआई इसी चीज के वजह से हर बार सिमुलेशन टेस्ट में फेल होती रहती है, क्योंकि गोली खाने के बाद जब भी वो ये देखती है कि उसके बॉडी पार्ट्स लोहे के हैं, उसका सिस्टम वैसे ही क्रैश होने लगता है, यानी कि वो एआई होने के बावजूद भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो कि एक नहीं बल्कि कई बार होता है। इसलिए उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोग उस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने से पहले उस बॉडी के हाथ पैर निकालकर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें उन्हें उतना कुछ नहीं मिलता सिवाय उस एआई के तड़प के। और अब जब वो एआई सिमुलेशन को भी पास नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे में मिलिट्री के ऑफिसर्स उस एआई को लेने से मना कर देते हैं। हालांकि उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर फिर भी हार नहीं मानता और ना ही उनकी टीम लीडर यून हार मानती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर खुद ही एक एआई होता है और टीम लीडर यून जंगी की बेटी होती है, जो कि अपनी माँ को फिर से जिंदा देखना चाहती है, जिसको गुजरे हुए 40 साल हो चुके हैं। हालांकि ना तो यून और ना ही यून के डायरेक्टर को ये पता होता है कि वो खुद भी एक एआई है। वो इन सब बातों से अनजान फिर से नए जंगी को टेस्ट करता है, पर इस बार वो उसके पैरों में गोली मार देता है पिछले बार से कुछ हटके करने के लिए, इस उम्मीद में कि उन्हें उससे कुछ नया रिजल्ट मिलेगा, जो कि होता भी है, क्योंकि इस दौरान जंगी के ब्रेन का एक और नया हिस्सा अनलॉक हो जाता है। हालांकि जंगी के सर पर गोली लगने की वजह से ये टेस्ट पूरा नहीं हो पाता, लेकिन अब जब उन्हें कुछ नया मिला होता है, तो ऐसे में डायरेक्टर और यून उसका रिजल्ट प्रेसिडेंट को दिखाने ले जाते हैं, जहां पर यून को डायरेक्टर के एक एआई होने के बारे में पता चलता है। पर सिर्फ यही नहीं, वहां पर यून का प्रेसिडेंट यून को उनके प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए बोल देता है और उसके बजाय ऐसे एआई बनाने को बोलता है जो कि घर के काम कर सके, जिसमें प्रेसिडेंट यून को ये भी बताता है कि उन एआई में अब भी उसका माँ का बॉडी यानी कि जंग ई को यूज किया जाएगा ताकि अच्छे से सेल हो सके, क्योंकि जंग ई एक बहुत पॉपुलर वॉरियर थी। इसलिए यून ये सुनकर मायूस हो जाती है और अपने टीम को टेस्ट के बाद ये खबर सुनाती है। लेकिन यून को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसको ये पता चलता है कि उसी के टीम के एक मेंबर को सीक्रेटली एक और नया प्रोजेक्ट मिला है, जो कि यून से इसलिए छुपाया गया था क्योंकि वो एक एडल्ट टॉय बनाने का प्रोजेक्ट था। इसलिए जब आखिरी बार जंगी का सिमुलेशन टेस्ट होता है, तब यून जंगी के ब्रेन के उस नए हिस्से को पूरे तरह से एक्टिवेट कर देती है और उसे वहां से बाहर निकलने के तरीके के साथ साथ ये झूठ बोलती है कि वो लोग उसकी बेटी को मारने वाले हैं। इसलिए उस टेस्ट के दौरान जंगी गोली लगने का नाटक करती है, जिसके वजह से सारे टीम को ऐसा लगता है कि जंगी को फिर से गोली लगा है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसलिए इससे पहले कि डायरेक्टर को इसके बारे में पता चले, वो जंगी को वहां से निकाल लेती है। लेकिन डायरेक्टर को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है, वो वैसे ही कुछ एआई को उनको पकड़ने के लिए भेजता है, जहां जंगी उनसे बचने के लिए लड़ती तो है, लेकिन यून को यह पता होता है कि जंगी लड़ाई में नहीं जीत पाएगी। इसलिए वो चालाकी से जंगी के दिमाग को उन्हीं में से गार्ड एआई में डाल देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसका डायरेक्टर फिर से उसे रोकने आ जाता है
जहां पर उसके डायरेक्टर को ये पता चलता है कि वो भी एक एआई है, जिसके वजह से वो पागल हो जाता है और यून को मारने की कोशिश करता है। और देखते ही देखते दूसरे गार्ड एआई भी वहां आ जाते हैं, जिनसे लड़ने के बाद यून जंगी को वहां से भागने को बोलती है और खुद के लिए जिंदगी जीने को कहती है, क्योंकि पिछले जिंदगी में वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ रही थी। इसलिए यून अपनी सारी यादें जंगी के दिमाग से मिटाकर जंगी को वहां से जाने को बोल देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।